हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह न्यूज चैनल। बाबू नए विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वेलकम आई को दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें मेरे वीडियो को, और बाबू पसंद पड़े तो लाइक करें। बाबू आज मैं आप लोगों को वॉइस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बाबू वॉइस बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में से लेकर के कंपटीशन तक आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए वॉइस को आप अच्छी तरह से देखें, वीडियो में बने रहें। बाबू आपको बड़ा ही सरल और आसान ट्रिक के आधार पर और सरल भाव से भी और एडवांस लेवल से भी दोनों ढंग से आपको मैं वॉइस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, वॉइस के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। बाबू वॉइस यानी वॉच, और वॉच यानी क्रिया। वॉइस किसी वाक में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखलाता है कि या कर्ता कुछ करता है या कर्ता पर कुछ घटित होता है। समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए राम पीट रहा है तो राम इज बैठिंग, राम पीट रहा है तो राम पीट रहा था, करता कुछ कर रहा था, कुछ कार्य क्या कर रहा था तो पीटने का कार्य कर रहा है ना। राम इज बेटिंग, राम पीट रहा है। और दूसरा, राम इज बीइंग बीटिंग, राम पीटा जा रहा है, यानी कर्ता प्रसंग किसी कार्य का होने का भाव स्पष्ट हो रहा है। राम इज बीइंग बीटन, राम पीटा जा रहा है, यानी कर्ता पर ही कोई कार्य घटित हो रहा है। ऐसे भाव या ऐसे आशय को हम वॉइस कहते हैं। समझ गए ना? अब बाबू वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कृत्वा वॉच, पैसिव वॉइस कर्म वॉच। कृत्वा वॉच यानी कर्ता के द्वारा किसी कार्य का संपादन होना, उसको हम क्या कहते हैं? कृत्वा वॉच कहते। कर्ता द्वारा किसी कार्य का संपादन होना, उसे हम कृत्वा वाच कहते हैं। जैसे वॉइस कर्म वाच, कर्ता निष्क्रिय होता है, उस पर ही कोई कार्य घटित होता है, उसे हम कर्म वाच कहते हैं, यानी वॉइस कहते हैं। समझ गए इतना? अब आइए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बदलने के कुछ नियम हैं बाबू। समझ गए? कुछ रूल को जानना अति आवश्यक होता है। पहला रूल है कि सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस, यानी कर्ता को कर्म के स्थान पर रख देते हैं और कर्म को कर्ता के स्थान पर रख देते हैं। समझ गए?
और दूसरा है रूल कि मैन भर अब इसको ऐसे समझिए, जो कर्म सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत हुआ है समझे, उसके बाद उस कर्म के यानी वो सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार वर्ब टू बी का प्रयोग होगा, उसके बाद भी थ्री का यानी वर्ब का पार्ट पार्टिसिपल रूप का प्रयोग होगा, प्लस बाई एजेंट का प्रयोग होगा, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार बाय एजेंट का प्रयोग हुआ और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया करके वाक्य बनाया जाएगा। जैसे अब बोर्ड पर आप देखिए, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो एक्टिव वॉइस में हो गया, हाँ राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, तो राम क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो गया जी, इट्स हो गया, ये तो आर्टिकल है, और आम क्या हो गया जी, मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी राम सब्जेक्ट है, वर्ब इट्स है, और मैंगो क्या है जी, ऑब्जेक्ट है ना। तो इसका एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल है बाबू कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, समझिए। ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब रखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, पहला रूल है पैसिव वॉइस के बनाने का, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, ए मैंगो, यहाँ पर ए मैंगो, और उसके बाद क्या करेंगे जी, मैंगो के बाद नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार, नंबर ऑफ पर्सन जो सब्जेक्ट के नंबर और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बने हैं उसके अनुसार, यानी न उसके अनुसार नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार, समझ रहे मेरी बात, जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बने उसके नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार, समझे क्या हुआ, वर्ब टू बी का प्रयोग होगा। और वर्ब टू बी का प्रयोग किस रूप में होगा जी, कि जिस टेंस में यह वाक है एक्टिव वॉइस का वाक है उसी टेंस में, समझे उसी टेंस के अंतर्गत, समझे क्या होगा जी, वर्ब टू बी का प्रयोग होगा, समझ गए। तब वर्ब टू का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो गया ना, और उसके बाद क्या होगा, वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, यानी वर्ब थ्री यानी पार्ट पार्टिसिपल रूप में वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होगा, है ना। इट रखिए, इट एट इटन, क्या हो जाएगा यहां पर जी, इटन मैंगो इज इटन, किसके द्वारा खाया जा रहा है बाबू, वो राम, समझ गए, मैंगो इज ईटन बाय राम, आम राम के द्वारा खाया जाता है। इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। अब इसमें एक और एक सामान्य रूल और नियम पर ध्यान देना पड़ता है, ध्यान देने की पड़ता है बाबू, जब नाम रहेगा तब तो नाम हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ज्यों का त्यों उतार देंगे और सब्जेक्ट के स्थान पर ज्यों का त्यों उतार देंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट समझे, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन रहेगा तब तो प्रोनाउन होगा, तो उसका रूल है बाबू कि सब्जेक्ट अगर समझे,
सब्जेक्ट अगर आई है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर उसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई मीने बदल जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो आई में बदल जाएगा। बी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो एस हो जाएगा और एस को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये दोनों प्रक्रिया में समान होता है। ही सब्जेक्ट रहेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो हिम होगा और हिम को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो ही होगा। सी अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो हर होगा और हर को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा, सी होगा। समझ गए, ये दोनों अवस्था में समान रहता है। दे का प्रयोग अगर सब्जेक्ट, दे का प्रयोग सब्जेक्ट में रहेगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब हम उसको रखेंगे तो क्या होगा, देम का प्रयोग करेंगे। समझ गया, और देम अगर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो दे हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से इसको मतलब कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के रूल में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए नियम को, समझ गए। अब आइए कुछ चेतावनी है बाबू, चेतावनी क्या है, नोट नोट ने फैक्ट बस होता है, समझ गए। वन नो वन सम वन समबडी एनीबडी सम वन पीपुल समझे नोबडी समझे ए बॉय ए गर्ल ए मैन पीपुल ये सब रहेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो क्या हो जाता है, अधिकांशतः या ऑमिट हो जाता है, समथिंग 99%। समझ गए, उसको हटा दिया जाता है। समझ गए, ऑब्जेक्ट का स्थान पर रखेंगे तब। समझ गया, अब दूसरा रूप है इसका। अगर समझे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाने के लिए बातों को ध्यान में रखना होगा कि ट्रांजिटिव भार्व निष्कर्मक क्रिया के ही एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। समझे, ट्रांजिटिव भार्व के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। समझे मेन चीज, समझ गए। अब आइए टेंस के आधार पर, आप देखिए बाबू टेंस के आधार पर हम आपको समझा रहे हैं। टेंस के आधार पर आपको हम समझा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। समझ गया, पास्ट में प्रेजेंट, पास्ट में पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। समझ गया, ये जो लास्ट वाला होता है ना पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसका नहीं होता दोनों का। समझ गए, अब आए फ्यूचर टेंस के अंतर्गत में, तो फ्यूचर इनडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही समझे एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं टेंस के आधार पर। समझ गए ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात। हम आज आपको प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस को बताने के लिए जा रहे हैं। राम इट्स राम इट्स इट्स मैंगोज, राम इट्स मैंगोज, राम आमें खाता है, यानी बहुत आम खाता है, राम आमें खाता है, समझे राम आम खाता है, समझे आम खाता है तो इसमें मैंगोज देख रहे हैं पुंडरल है ना, हाँ तो हो जाएगा मैंगोज, मैंगोज आर
eaten by Ram, यानी plural, अगर plural मतलब कि subject, अगर देखिए राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगोस, राम आम खाता है, समझे, राम आमें खाता है, समझे। अब इसको मतलब जो हमें एक्टिव सी है पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंगोस तो मतलब सब्जेक्ट, जो मैंगो जो है ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट का स्थान पर आ जाएगा जी, और जो ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल जब सब्जेक्ट है तो क्या होगा जी, वो प्रक्रिया क्या चीज़ पर रखेगा, प्लूरल वर्ब का रखेगा, रखेगा ना, तो क्या होगा, मैंगोज आर ईटन बाय राम, समझ गए ना। अब दूसरा है ये जो है प्रेजेंट, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है ना, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट एक्टिव में है, इसका पैसिव वन वॉइस बनेगा तो क्या हो जाएगा, प्ले ही एक्टिव वॉइस में, ही प्लेस क्रिकेट, तो इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले क्रिकेट को रखेंगे, पैसिव में क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेस्ड बाय हिम, हम देख रहे हैं ना, बताए थे ना कि सब अगर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ही रहेगा तो ऑब्जेक्ट का स्थान पर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम का प्रयोग होगा, समझते हैं, हुआ ना, देखते हैं सब्जेक्ट रिप्लेस ऑन द हिम, हुआ ना। और क्रिकेट नाउन है तो नाउन ज्यों का त्यों रह जाता है, समझ गया, तो क्रिकेट इज प्लेस्ड बाय हिम, क्रिकेट, अब देखिए पहला सेंटेंस को देखिए, राम ही प्लेस क्रिकेट, हुआ क्रिकेट खेलता है, ये एक्टिव वॉइस क्या सेंटेंस हुआ, पैसिव वॉइस में जब मैं बनाए इसको या बनाएंगे तो क्या होगा, एक क्रिकेट इज प्लेस्ड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, हो गया ना। आप इसी तरह से बनते हैं, समझ, अब इसमें एक चीज और है, इसमें बाबू एक चीज और जो कि ओमिट हो जाता है सब्जेक्ट, जैसे बी एक्सेप्ट, बी एक्सेप्ट ए गुड न्यूज, बी एक्सेप्ट गुड न्यूज, हम लोग अच्छे समाचार को स्वीकार करते हैं, समझ गए, ये एक्टिव वॉइस का होगा, जब पैसिव वॉइस में बना लेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है ऑब्जेक्ट है ना जी, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रूप में आ जाएगा, कर ए कैसे है ना, ए गुड न्यूज इज एक्सेप्टेड है ना, अच्छे समाचार स्वीकार किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये जो देख रहे हैं, बी एक्सेप्ट ए गुड न्यूज, हम लोग अच्छे समाचार को स्वीकार करते हैं, ये एक्टिव वॉइस के अंतर्गत है। और पैसिव वॉइस में जब बनाया जाता है क्योंकि इसको बना गया है, ए गुड न्यूज इज एक्सेप्टेड, अच्छे समाचार स्वीकार किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो है
बी जो सब्जेक्ट बी है यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वाक स्वयं क्या होता है अस्पष्ट हो रहा है, वाक में इसकी सहायता ने बाई एजेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए बाबू यहाँ पर बाई एजेंट के को नहीं रखा गया है। अब नहीं अगर रख दीजिएगा तो सेंटेंस क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, समझे। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में अगर सेंटेंस में स्पष्ट भाव या अर्थ प्रदान कर देता है बिना एजेंट के सहायता के, तो वैसे सेंटेंस में बाई एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, समझ गए। दूसरा देखिए, पीपुल स्पीक हिंदी इन द पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार,